हेलो गाइस, आरआरबी ग्रुप डी की क्लास टू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम हर क्लास में आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाएंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आने की पूरी संभावना है। उसके सर हिसाब से हम लोग क्लासेस लगाएंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास कंटिन्यू अपडेट आ सके और आप और लोगों तक जितना शेयर कर सको कर सकते हैं शेयर, जिससे उनका भी भला हो सके। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इस बार आरआरबी ग्रुप डी का, जो जितने भी पेपर्स होने वाले हैं, कहने का मतलब मेरा ये है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, एसएससी सीजीएल, एसबीआई क्लर्क, सब पे हम इंडिविजुअल क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको। अभी हमने पहला हमारा जो टारगेट है वो आरआरबी ग्रुप डी सेट किया है, देन आने वाली क्लासेस में हम एएलपी के लिए भी वीडियो बनाएंगे। आज चलिए हम देखते हैं हमारा जो डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में हम, वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ रीजनिंग डिस्कस करने वाला हूँ। रीजनिंग पे भी हम लोग थोड़े मिक्स बनाएंगे पैटर्न्स। मैं आपके साथ इंडिविजुअल टॉपिक भी लेके आऊँगा बीच बीच में रीजनिंग के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज मैं एक मिक्सचर लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और नॉर्मल स्तर के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न जो मेरा है दोस्तों, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एज पे आधारित, मतलब प्रॉब्लम ऑन एजेस। मेरी हर रीजनिंग की क्लास में एक ना एक प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। पिछली क्लासेस में भी कर चुका हूं, तो चलिए देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और ये जो इनोवेटिव तरीका है, आई होप आपको पसंद आएगा। राम अपनी पुत्री से 5 गुना बड़ा है तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब देखो, पुत्री से 5 गुना बड़ा है और पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 5 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या है। देखो यहाँ पर सब कुछ वर्तमान में हो गया है, तो बहुत सिंपल तरीके से कर दिया जाएगा, ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि उसकी पुत्री है एक्स डॉटर, तो जो राम है वो कितने का हो जाएगा भाई, 5 गुना है। और राम की जो वाइफ है वो क्या हो जाएगी, राम से 5 वर्ष छोटी। अब पुत्री है 7 साल की, तो राम कितने साल का हो जाएगा और वाइफ 7 साल। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत ही इजी सा आसान सा एक क्वेश्चन था ये, जो कि पूछा गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आज का क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा शेयर करूंगा आपके साथ अधिकतर। देखिए इसमें आपसे बोला गया एक सीरीज दी गई है आपको, जो आपको सॉल्व करनी है यहाँ पर। देखिए 2.1, 5.2, 8.4, 11.7, इनमें कुछ रिलेशन चल रहा होगा और उसके बेस पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसके बेस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। चलिए करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक रूल है, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो किसके सीरीज के क्वेश्चन, उनके बीच में डिफरेंस देखते चलो, डिफरेंस शुड बी इन सेम मैनर, या कुछ पैटर्न चल रहा हो तो बहुत आसान हो जाता है कैच करना। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखे तो 3.1 आ रहा है, यहाँ 3.2 आ रहा है, यहाँ 3.3 आ रहा है, यहाँ 3.4 आ रहा है, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा बढ़ता जा रहा है। 3.4 से आप क्या हो जाएगा 3.5, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 18.6, प्लस कितना होता जा रहा था देखिए, है ना, तो वहाँ पर कितना हो गया 18.6। ये हो गया हमारा आज का इस सीरीज का भी सॉल्यूशन। मतलब देखिए आपको एक सीरीज दी गई है, फिर से सेकंड सीरीज का ही क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्स यू आर ओ एल। अब इसमें मुझे आपको ये बताना है कि इसमें एल के बाद क्या आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ ही नहीं करना है आपको, पहले आप ये देखो, मुझे बताओ सबसे, मतलब यहां से तो ये घटता क्रम है, अगर अल्फाबेट्स पढ़ो आप इंग्लिश के, एक्स फिर यू फिर आर फिर ओ एल, ये तो ऐसा हो रहा है घटते क्रम में जा रहा है, सबसे बाद में एक्स आता है, फिर यू आता है, फिर आर आता है, फिर ओ आता है और सबसे पहले एल आता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं ना, उस पैटर्न में से पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एल एल एम एन, फिर क्या आता है आपका ओ, भाई यहां से कितना आया एम एम, फिर एन ओ, ओ के बाद क्या आता है पी, फिर क्यू, तो फिर क्या आया आपका R, R के बाद S, फिर T, फिर क्या आया U, फिर U के बाद V, W, फिर क्या आया आपका X,
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ होगा यहां पर, एल एल के पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या आता है, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या देखना पड़ेगा, एल के पहले ऐसे क्या आएगा। तो एल कैसे आता है आपका, अगर आप लोग पढ़ो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो देखो कितने चाहिए था हमें अल्फाबेट्स, तीन ना, एक तो यहां लिखूंगा और फिर सेंटर में आएंगे जे के और फिर क्या है आपका एल। तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पर, आई। आई होप आपको क्लियर हो गया, छोटी सी ट्रिक बताई है मैंने, हमेशा इसी को फॉलो करिएगा, हमेशा छोटे से ऊपर जो आप रेगुलर बेस पढ़ते हो उसी पे जाइएगा। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फिर से तीसरी सीरीज में आपके सामने आज ही के पैटर्न में लेके आया हूँ, 5760960 क्वेश्चन मार्क 48, 16 और 8। देखो सीरीज के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं आने वाले लेक्चर में भी, मैं एक सीरीज के ऊपर ही लेक्चर बनाने वाला हूँ जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज करेंगे। आज हम थोड़े मिक्स बंडल में क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख लेते हैं। ये बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा, यहां से थोड़ा टफ लग रहा है, क्या डिफरेंस होगा, किसका डिवाइड हुआ है, ये क्या चली घटते क्रम में चल रही है। तो हम अगर इसे पीछे से लेंगे, देखो आठ से सोचो तो ये फिर बढ़ते क्रम में होगी कि नहीं, आगे से तो ये घटते क्रम में है, लेकिन अगर मैं लास्ट से लूं क्योंकि हमें सेंटर में निकालना है तो ये बढ़ते क्रम में होगी। देख लेते हैं, आठ से सोलह आया है तो आठ आठ सोलह भी होता, चलो ठीक है सोलह, और फिर क्या हो गया बत्तीस, ये थोड़ा जम नहीं रहा, देखते अब आठ दुनी सोलह, फिर 16 3 48 होता है, चलो ये भी ठीक है। अब 48 तो यहाँ पर दो का हुआ, यहाँ तीन तो यहाँ का चार का होना चाहिए, यहाँ जैसे ही 48 पे मैं चार का करूँगा तो कितना आएगा, फिर किसका होना चाहिए भाई, 192 में पाँच का करूँगा तो कितना आ जाएगा 960, फिर किसका होना चाहिए छः का होना चाहिए, 960 में करके देखता हूँ, 606 66 36 का 60 आ चुका था, 3 गया, 69 54, अगर आप यहां पर देखो देखो 66 36 36 का कितना गया 3, 69 54 54 और 3 आ गया आपका, मतलब यहां सेंटर में क्या आएगा 192। तो आप समझ गए आपको कैसे पैटर्न में चलना है, ऐसे जरूरी नहीं है आगे से टफ लग रहा किस कैसा किसका भाग किया, तो आप पीछे से भी देख सकते हो कि पैटर्न क्या आ रहा है, वहां तो बढ़ते क्रम में आ रहा है ना, समझ में आता है आसानी से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से कौन एक दूसरे से भिन्न है, अगर मैं लिखूं डी ई, देखिए दिया डी ई पी क्यू टी यू एम ओ, इसमें से ऐसा कौन से है जो डिफरेंट पेयर है, थोड़ा अलग है, बाकी सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो मैं देखूं डी ई तो मतलब डी, अगर हम एबीसीडी पढ़े ए बी सी डी ई मतलब एक साथ आते हैं, ठीक है ऐसी ऐसा आना चाहिए। अब सबके सब पैटर्न देखते हैं कैसे चल रहे, पी क्यू पी के बाद क्यू आता है ठीक है, टी यू टी के बाद यू आता है ये भी ठीक है, फिर हम गए एम ओ, नहीं ये गलत है, एम एन ओ होता है, एम के बाद ओ नहीं आता, एन आता तो ये गलत हो गया, तो इसमें कौन सा पेयर गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते तो आप समझ गए होंगे कैसे इन्हें ऑड वन आउट करना। फ्रेंड्स आपके सामने जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है रीजनिंग, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाने वाला, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और इसमें हम बहुत गलतियां करते हैं, तो इसमें सही कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ नहीं करते फ्रेंड, जो ऑप्शन दिए उन्हें एक बार फिल करके देखना पड़ता है, और एक मेजर पैटर्न फॉलो होने लगता है, रिपीटेशन आते हैं, इसके बाद फिर से वही आएगा, इसके बाद फिर से वही आएगा, वो हमें यहाँ पर चेकआउट करना पड़ता है। तो देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ऑप्शन नंबर सी, सी के हिसाब से चलें, सी के हिसाब से अगर मैं यहाँ चलूँ तो यहाँ सी आना चाहिए, सी ए ए, फिर क्या हुआ बी, फिर क्या आया सी, फिर सी सी ए ए, फिर क्या आया आपका बी। तो यहां पर कोई पैटर्न तो ऐसा फॉलो हो नहीं रहा, देखो यहां सी ए ए बी था, यहां सी सी ए ए बी, फिर बी बी, तो मतलब ये तो फॉलो हो नहीं रहा। यहीं से क्लियर हो गया कि ये तो कुछ अपने आप में अलग ही कोड बता रहा है, क्योंकि तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 तक कॉमन आता है, फिर रिपीटेशन आने लगते हैं इसमें। अब मैं ले लेता हूं, चलो मैंने ले लिया यहां पर ए डी ए ए, मैं अगर यहां ए लिखूं ए ए ठीक है, बी सी चलो यहां पर, फिर लेकिन क्या आ गया यहां पर सी, चलो यहां तक का पैटर्न मान ले, फिर ए ए चलो ठीक है, फिर क्या आया आपका बी, लेकिन यहां पर कितनी बार बी हो गया डबल बी, यहां पर जब हमने लिखा था अगर मैं लिखूं ए ए बी सी ठीक है और सी, फिर ए ए बी, फिर डबल सी आना चाहिए था, यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ये भी आपका कोड नहीं। अब मैं उठाता हूं ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं, अब मैंने यहां पर फिल किया ए ठीक है, ए ट्रिपल ए हो गया, फिर बी, फिर क्या आया आपका सी, यहां तक चलो ठीक है, क्योंकि फिर से डबल ए आने लगा, तो मैं देखता हूं अब क्या था, आपने ए फिल कर लिया, आपने बी फिल कर लिया, फिर से क्या फिल होना था तीसरे नंबर पे ए,
ट्रिपल ए यहां पर भी क्या हो गया था आपका, अगर देखो यहां मैं फिल कर देता हूं, अब ए ए ए, फिर क्या आया आपका बी 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 सी, ये एक बन गया। चलो फिर अब यही रिपीट होना चाहिए, ए ए ए, फिर से ये आया बी बी सी, यहां तक सही है यार, ये भी हो गया। अब ये चौथा देखते, चौथा भी क्या फिल हो रहा है आपका, ए ए ए ए, और फिर क्या आया आपका बी, तो बी बी, ठीक है। यहां पर अगर यहां पर देखे तो अब ए, अब मैंने यहां पर फिल करा ए ए ए, तीन बार ए आया, फिर दो बार बी, फिर क्या आया सिंगल सी, फिर से क्या हो गया ए ए, और फिर डैश डैश। तो मतलब यहां पर आपका जो ये पैटर्न था पूरा हुआ नहीं हुआ यहां तक, देखो आप फिर से ए कंटिन्यू हो गया, वो सीरीज कंटिन्यू हो गई, तो यहां एक पैटर्न फॉलो हुआ, ट्रिपल ए डबल बी सी, ट्रिपल ए डबल बी सी, ट्रिपल ए डबल बी सी। तो ऐसे हमको एक सीरीज कैच करनी पड़ती है जो रिपीटेशन के कोड में चलती है, और वो हम कैसे करते हैं, बाय ऑप्शन। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम करने वाले हैं आपका ब्लड रिलेशन पे, ठीक है, रक्त संबंध पे आधारित बहुत ज्यादा पूछे आने वाले क्वेश्चन में से एक। इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू करेंगे। आपसे बोला गया है x और y एक ही संतान है, x और y एक ही संतान है, a x का पिता है परंतु y उसका पुत्र नहीं है, तो बताओ y का a से क्या संबंध है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x और y किसके हैं, a के, ठीक है, बच्चे हैं a के, बिल्कुल मान लिया। a क्या है, पिता है किसका, एक्स का भाई, ये याद रखना। मैं प्लस और माइनस, प्लस से आपका मेल बताते हैं और माइनस से फीमेल। अब यहां पर बोला गया आपसे ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, तो यहां पर देखो वाई क्या होगा, या तो लड़की या तो आपका लड़का। तो देखो जब वो लड़का नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, लड़की। तो ए का y से क्या संबंध है, ओ सॉरी y का, a का तो पिता का ही होगा, y का a से क्या संबंध है, तो जब वो पुत्र नहीं है तो वो क्या होगा, पुत्री। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन कैसा था। देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे ही आपके पेपर पैटर्न आने वाला है, बहुत आसान सा। अच्छे से देखिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए और घर पे भी ट्राई करते रहिए। देखिए आप कैलेंडर का एक क्वेश्चन है, वर्ष 1988 मतलब 1998 में यदि स्वतंत्रता दिवस मतलब आपका इंडिपेंडेंस डे अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपका इंडिपेंडेंस डे बोलूं तो वो कब था, 1988 में संडे को। तो 1989 में कब होगा वो, तो देखो जब भी ऐसा पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ आपको किस हिसाब से करना है, आप दिन बढ़ा दोगे, जैसे एक दिन बढ़ेगा, क्यों, आपको ये ध्यान रखना अगर लीप ईयर है तो आप दो दिन बढ़ा दोगे आगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो सिर्फ सिंगल डे आगे बढ़ेगा। तो क्या इसमें चार का भाग जाएगा, नहीं, मतलब ये लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा, मंडे। आपका आंसर क्या है इसमें, मंडे, एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। और अगर एक दिन पीछे पूछे तो एक साल, सॉरी एक दिन आगे, अगर एक साल आगे जाते हो तो वो दिन एक दिन बाद हो जाता है अगर वो लीप ईयर ना हो तो। लीप ईयर होता है, अगर मान लो ये लीप ईयर होता मतलब चार का भाग 1992 होता और ये 1991 होता तो आपके दो दिन आगे बढ़ जाते। आई होप आप समझ लोगे, दो दिन आगे बढ़ जाते, ट्यूसडे हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है आपका 1989, तो एक दिन आगे बढ़ेगा और आपका हो जाएगा मंडे, मतलब साल दर साल आप एक एक दिन आगे करते जाते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर्स में हम और भी कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सारे पैटर्न जो 100 मार्क्स है उसमें आप ज्यादा सारा कैसे स्कोर करो, क्या आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.